नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। योगी राज में दबंगों का कहर जारी है, पुलिस प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। बस्ती जिले के हरैया थाने के अंतर्गत भौसा चौबे में दबंगों की दबंगई सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि दबंगों ने महिला को घर के अंदर घुसकर जमीनी विवाद में बुरी तरीके से मारने पीटने का मामला सामने आया है, जिससे पीड़िता का हाथ टूट गया और सिर भी फट गया। पीड़िता महिला ने हरैया पुलिस पर आरोप लगाया है और कहा कि दबंगों के जरिए 30 जनवरी को हमें घर के अंदर घुसकर मारा पीटा गया, जिससे हमारा दाहिना हाथ टूट गया और सर भी फट गया। मैं अपनी लड़की के साथ दवा करने हरैया आ रही थी, रास्ते में दबंगों ने हमको 2 फरवरी को फिर मारा पीटा। फिर भी हरैया थाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ की रहने वाली है आप? क्या मामला है आपका? जमीन का विवाद था। किससे विवाद है? हाथ आपका कैसे टूटा? देवी तारा रंजीत घर में मारे हैं। किस तारीख को मारे हैं? 30 तारीख को। कब मारे हैं? मारे थे 3 बजे। फिर उसके बाद थाने पर दरखास्त नहीं दिया आपने? थाने पर दरखास्त दिया, कोई सुनवाई नहीं किया। अंदर जाओ बोलते हैं, दरोगा के पास जाओ दरोगा बोलते हैं, अंदर लेके जाइए ऐसे ऐसे बोलते हैं। आज आप कहाँ आए हैं? आज हम थाने पर आए हैं। दरखास्त देने आप गई थी? हाँ, दरखास्त देने गई। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। तो ग्वालियर जनपद के बेरिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत का प्रजातंत्र एक तरह से राजनीतिक नहीं, प्रजातांत्रिक नहीं, लेकिन एक तरह से युद्ध का स्वरूप ले लिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे रावण के राज्य में हनुमान को प्रवेश से सुरसा ने रोकी थी, जिस संस्कार से सुरसा प्रभावित थी, ठीक उसी प्रकार से ममता बनर्जी भी प्रभावित है। चाहे वो जितना भी सुरसा का रूप अपना ले, चाहे रावण का चरित्र अपना ले, लेकिन लंका के विजय में और लंका में प्रवेश से रोकने की क्षमता में कोई नहीं है। मोदी जी राम के भूमिका में है तो योगी जी हनुमान की भूमिका में है, जो सुरसा नाम की राक्षसी थी, जो रोल अपना अदा करके किसी को जाने नहीं देती थी। ठीक उसी का चरित्र और संस्कार लेकर ममता ने भी हमारे नेता योगी जी को रोकने का काम किया है। बंगाल के लोगों ने यह स्नेह और संकेत दे चुके हैं कि वहां से भी अब राक्षसी और आतंकियों का राज समाप्त होगा और वहां भी मोदी और योगी के चिंतन का भारत का निर्माण होगा। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी का आज पश्चिम बंगाल में जनसभा रैली थी, जिसकी परमिशन वहां की सरकार ने नहीं दिया, इस पे आपका क्या कहना? देखिए पत्रकार जी, भारत का प्रजातंत्र एक तरह से राजनीतिक नहीं, प्रजातांत्रिक नहीं, अब युद्ध का स्वरूप ले लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जो है, जिसे रावण के राज्य में लंका में हनुमान को प्रवेश से रोकी थी सुरसा जिसे रोकी थी, जिस संस्कार से प्रभावित थी, ठीक उसी राजनीतिक संस्कार से ममता बनर्जी भी प्रभावित है। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे जितना ही कोई सुरसा का चरित्र अपना ले, चाहे रावण का चरित्र अपना ले, लेकिन लंका के विजय में और लंका में हनुमान के प्रवेश से रोकने की क्षमता किसी में नहीं। मोदी जी राम की भूमिका में है तो योगी जी हनुमान की भूमिका में है। और आप उस समय भी देखे होंगे, मैं तो उस समय भी कहा था, राहुल और प्रियंका पर लोग हौतबा किए थे, अब देखिए कि नया आ गया, नया नाटक फिर आ गया। ये जो है सिल्क ठीक जो है, जैसे सुरसा नाम की जो वहाँ राक्षसी थी, जो रोल अदा कर रही थी कि किसी को जाने नहीं देती थी, और राजनीति में आज लगता है कि राजनीति में उसी का चरित्र और उसी का संस्कार लेकर के ममता बनर्जी जो है उसी संस्कार उसे संस्कारित और हमारे नेता आदरणीय योगी जी को रोका है। और उन्होंने लेकिन हेलीकॉप्टर उतरने से रोकने के बाद भी वहाँ की जनता ने जो स्नेह और सम्मान दिया है, बंगाल की धरती संकेत दे चुकी है कि वहां से अब राक्षसी राज्य समाप्त होगा, आतंकियों का राज समाप्त होगा, अत्याचारियों का राज समाप्त होगा, और फिर वहां भी मोदी के सपनों का भारत, मोदी के योगी जी के चिंतन का भारत बंगाल में भी स्थापित होगा, राम राज्य स्थापित होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सपा बसपा का गठबंधन बनने के बाद यूपी में बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी अपने सीनियर नेताओं का
सहारा लेने जा रही है। बड़े चेहरों के जरिए बीजेपी बूथ लेवल पर अपने नेताओं को चुनावी प्रबंधन के गुर सिखाएगी। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बाराबंकी आएंगे। मतदाताओं को किस तरह के घर से बूथ तक लाया जाए और बूथ स्तर पर किस तरह से वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए, शिवराज बीजेपी नेताओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे। कल अपने बाराबंकी जनपद में जीआईसी के ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के दृष्टिगत संगठन को नई दिशा देने के लिए बाराबंकी लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा और अम्बेडकर नगर लोकसभा, तीनों लोकसभा के माननीय सेक्टर के संयोजकगण, प्रभारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम तीनों जनपदों की, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, लोकसभा के प्रभारी और प्रमुख, सभी लोग जीआईसी के ऑडिटोरियम मैदान में रहेंगे। संगठन के पूरी ये कार्यक्रम संगठन का है। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे। साथ साथ में गोवर्धन गर्फिया जी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री, अवध क्षेत्र के माननीय प्रांत के प्रभारी, वो भी मौजूद रहेंगे। मेन उद्देश्य क्या है चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की ने बूथ को अपने अंतिम इकाई माना है। बूथ का सम्मेलन अभी अवध प्रांत का पिछली 30 तारीख को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी लखनऊ में हम सबको संबोधित किया था। उसी क्रम में अब बूथ के ऊपर सेक्टर का कार्यक्रम यह है। पूरे प्रदेश में 3-3 लोकसभाओं का संच बनाकर एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत कल बाराबंकी और अयोध्या और अम्बेडकरनगर का लोकसभा का सम्मेलन बाराबंकी में होना है। तो बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र में कल हुई मंडी व्यापारी से 4 लाख की लूट का खुलासा न होने से व्यापारियों ने अनाज मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। मंडी में भी सभी व्यापारी धरने पर बैठे हैं। मंडी में धरने पर बैठे व्यापारियों को अनूपशहर एसडीएम आनंद श्री नेत्र ने समझा बुझाकर मंडी खुलवाने की बात की, लेकिन व्यापारी लूट का खुलासा न होने तक अनाज मंडी को अनिश्चितकालीन बंद की मांग पर अड़े रहे। ये कल की घटना है और इसमें हमारी कोतवाल साहब से और सबसे बात हो चुकी है, पुलिस अधिकारियों से भी, और इसमें इसकी जांच चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा और उम्मीद है 3-4 दिन के अंदर अपराधी अंदर होगा, जेल के अंदर होगा। जब तक मंडी की लूट का खुलासा नहीं हो जाता तब तक मंडी बंद रहेगी, और जब तक सड़क की व्यवस्था सही नहीं हो जाती, पुलिस की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती और लाइट की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मंडी बंद ही रहेगी। तो जन अधिकार पार्टी के लोकतंत्र बचाओ संकल्प महारैली को आईटीआई मैदान जनपद बस्ती जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, योगी जी जानते हैं कि यदि गौरक्षपीठ से लोगों का कल्याण हो सकता तो कर सकते थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके सामने छोटी है, क्या जरूरत थी वहां जाने की, लेकिन वह जानते थे वहां से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उस कुर्सी पर जाने के लिए आप लोग सब जानते हैं कि वोट पड़ता है, आप लोग जिसे वोट देते हैं, मतदान करते हैं, वही लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, वही कुर्सी पर बैठते हैं और वही हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं। अगर ये किसी जानते कि वहां से लोगों का कल्याण हो सकता है तो कर सकते थे, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को उसके सामने छोड़ती है, क्या जरूरत थी वहां जाने की, लेकिन वो जानते थे कि वहां से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वहां उन्होंने क्या करें, वो जानते थे कि राजपाल से भी कुछ हो सकता है, वंश से प्रधान हो सकता है, इसलिए वो कुर्सी से जाकर पहुंचा। उस कुर्सी से जाने के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं और कुछ नहीं लगता, एक लगता है। तो हरैया विधानसभा में बधनान रोड पर स्थित गन्ना क्रय केंद्र रानीपुर में गन्ना तोल में व्यापक घटतोली को लेकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी ने गन्ना घटतोली में संलिप्त मिल कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए वर्तमान सत्र में क्रय किए गए गन्ने में प्रत्येक किसान को प्रति 25 पर्ची 1000 अधिक भुगतान की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक ऐसा नहीं होगा हम क्रय केंद्र चलने नहीं देंगे। घटतौली पाबंद करो, यहाँ पर ताल करो, मिल कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिल कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्ट प्रशासन हाय 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 हाय, भ्रष्ट प्रशासन हाय 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 हाय, गन्ना किसानों की अनदेखी नहीं
किसानों की अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गन्ना किसानों की अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घट तौली अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घट तौली अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घट तौली पाबंद करो, बंद करो, बंद करो। घट तौली पाबंद करो, बंद करो, बंद करो। घट तौली पाबंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हम लोग आज पवनान रोड स्थित रानीपुर गन्ना क्रय केंद्र पर धरने पर कांटे पर इसलिए बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ गन्ना ट्रॉली खड़ी हुई है। कांटा बाबू यहाँ से जा चुके हैं। इन किसानों का काफ़ी दिनों से कहना था कि गन्ने के तौल में घटतौली हो रही है, जिसको लेकर के आज गन्ना भदावल में धर्मकांटा कराया गया। धर्मकांटे के उपरांत गन्ना 43 क्विंटल 50 किलो रहा और जब यहाँ गन्ने को तौलवाया गया तो गन्ना लगभग 3 क्विंटल कम निकला, 40 क्विंटल 72 किलो। ऐसी स्थिति में हम लोगों की मांग है कि ये केवल एक किसान के साथ नहीं, यही फीडिंग, यही घटतौली जब से यह केंद्र स्थापित हुआ तब से आए। इस सत्र में जितने किसानों का गन्ना यहाँ पर बिक्री हुआ है सभी किसानों को प्रतिपर्ची 1,000 रुपया अतिरिक्त भुगतान मिल करे। बिजनौर जनपद में आज आजाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर आज कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की घोषणा की थी। आज आजाद किसान यूनियन के सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और डीएम ऑफिस के बाहर लकड़ी डालकर चिता लगा ली थी। पहले पुलिस ने उनको बहुत समझाया लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पहले किसानों पर पानी की बौछार कर भगाने का प्रयास किया और जब बाद में किसान पुलिस के सामने करने लगे तो मजबूरी में पुलिस ने लाठी चार्ज कर कलेक्ट्रेट से किसानों को दौड़ाया। इस दौरान पूरे कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IPC सेक्शन 309 के तहत जो है कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता, वो अपने आप में अपराध है। किसानों की जो समस्या है उसके बारे में बहुत संवेदनशीलता के साथ जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार दोनों संवेदनशील होकर के इनके बकाए गन्ने के भुगतान के संबंध में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ गत वर्ष के सारे गन्ने के भुगतान हो चुके हैं, सिर्फ वेब ग्रुप के 2 चीनी मिल का भुगतान अवशेष है। उनपे दबाव भी बनाया गया, उनपे FIR भी किया गया है और लगातार वार्ता की जा रही है और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी स्वयं जितने भी डिफॉल्टर चीनी मिल हैं उनको बुला लिया है और उनसे वार्ता करके और ये प्रयास हो रहा है कि मिड फरवरी तक सभी जो देयता है किसानों की उसका भुगतान हो जाए। मैं समझता हूँ कि जब शासन और प्रशासन दोनों इतना सक्रिय है तो इस प्रकार के कार्रवाई करने का और इस प्रकार के काल देने का कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कल शाम को भी हम लोगों ने बुलाया था और इसमें वार्ता हुई थी और वार्ता काफ़ी जिसको कहा जाए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। तो आज अपना धरना प्रदर्शन आदमी कर सकता है लोकतंत्र में, लेकिन किसी को आत्मदाह करने की इजाज़त जिला प्रशासन नहीं दे सकता। और इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पे लकड़ी जलाने की कोशिश की, चिता बनाने की कोशिश की, उस पर हमारी पुलिस ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता बरतते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के छतेला गांव में देर शाम दो पक्षों में मामूली बात को लेकर जबरदस्त संघर्ष हो गया है। इस संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले जिसमें एक युवक राजकुमार की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला दो पक्षों से जुड़ा होने के कारण गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया। बहरहाल मामला शांत है। इस मामले में SP देहात आलोक शर्मा ने बताया कि थाना तितावी क्षेत्रांतर्गत ग्राम छतेला में कुछ लोगों के जरिए वादी विकास कुमार के घर पर मारपीट की गई जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की हत्या के सिलसिले में तहरीर दी गई, उस विषय में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। झगड़ा तो जी हम तो घर पे थे जी, आए जी घर पे और रात ही मारपीट चालू कर दी जी उन्होंने। झगड़े का मतलब जी कुछ पता नहीं जी कहीं के बारे में था और जी मेरे पापा एक्सपायर हो गए इसमें जी। कौन लोग थे और कितने जी? मुस्लिम लोग थे जी। 8 दिन पहले मोबाइल उठा था जी, उसके ऊपर पहले बोल चाल हुई थी मोबाइल के ऊपर, तो हम तो सोच रहे जी उसी के ऊपर झगड़ा हुआ जी। लगभग कितने लोगों ने एकदम हमला किया जी? कम से कम 10-15 थे जी। अब क्या स्थिति है गाँव की? गाँव में तो हम गाँव में नहीं फिलहाल, देखो यहाँ से पता नहीं अभी कैसा नहीं कह सकते जी कुछ भी। कितने लोग घायल? घायल तो जी 5-6 लोग हैं जी। थाना तितावी क्षेत्र अंतर्गत
ग्राम छतेला में कुछ लोगों के द्वारा वादी विकास कुमार के घर पर मारपीट की गई, जिसमें उसके घर के सदस्य घायल हो गए और उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की हत्या के सिलसिले में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। शीघ्र ही समस्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साक्ष्य के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। संभल में तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई, बाइक सवार इंद्रपाल निवासी कुतुबपुर सख्ता की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर असमोली अस्पताल पहुंचे। परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस शव के लिए जिला अस्पताल संभल को लेकर जाने लगे तो परिजनों ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। मामला रामपुर की पहाड़ी गेट की ताशका कॉलोनी का है, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए आशियाने बनाकर देने का दावा कर रही है, तो वहीं कुछ दबंग लोग अवैध तरीके से गरीबों के आशियानों पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। अवैध कब्जों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने गरीब के आशियाने को बचाने के लिए अवैध कब्जा जमाए बैठे दबंगों से आर पार की जंग छेड़ दी है। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर गरीब के आशियानों के दबंगों से अवैध कब्जे नहीं छुड़ाए गए तो वह प्रशासन और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं किसान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है और कहा, सरकार के सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। यदि इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, परसों SDM साहब से मिलेंगे, सलीम पासा जिला अध्यक्ष, एक महीने में समय, 2 तारीख को DM रामपुर का घेराव होगा, मैं खुद आऊंगा, भानु प्रताप सिंह खुद आएगा। नहीं करी इन्हें समस्या का समाधान, अरे गरीबों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम काय के लिए हैं? फिर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे, गरीब महिलाओं के समस्याओं का समाधान करवाएंगे, और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हम इसका समाधान करा के रहेंगे। 2 तारीख है, जो 2 तारीख समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैंने सलीम पासा को कह दिया, परसों आप SDM से मिलो, DM से मिलो, सर से मिलो, इस समस्या का समाधान करो, और नहीं समस्या का समाधान होता है तो 2 तारीख को रामपुर DM साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन इतना विकट किया जाएगा कि उसी दिन उनको सारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। मामला शाहजहापुर के थाना सदर बाजार अंतर्गत सैनिक कॉलोनी के रहने वाले रमेश चंद ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से थाना अल्हागंज के दीक्षा राम के बेटे शशिकांत के साथ की थी, जहां उक्त दहेज लोभी दानव आए दिन नव विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। एक दिन उसको इतना मारा पीटा कि उसके सर में अंदरूनी चोट लग गई, जिससे वह मानसिक असंतुलन खो बैठी और वह आए दिन अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगी। आज ससुराल पक्ष के कुछ लोग दरवाजे पर आए और उन्होंने उक्त पीड़िता को धमकाया कि अगर तुमने राजीनामा नहीं लिया तो वह तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसी के चलते नवविवाहिता ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और खुद को आग लगा ली, जहां नवविवाहिता का इलाज शाहजहापुर के जिला हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कैसे क्या हुआ, देखिए बहन को बारात के लिए जो है लगभग 1.5 साल हो गए, तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये 2-3 महीने के बाद उसे बाड़ा तोड़ना चालू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित किया उसे, सिर में चोट है, हाथों पैरों में चोट मारने की बात काफ़ी, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले आए थे, तो उसके सजीव सिंह का इलाज चल रहा है मानसिक का, अब मानसिक में इनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उसके बाद जो हमने इनका जो है केस कर दिया है, पीड़ित का मतलब उसका केस कर रखा है, उसका इलाज चल रहा है, अब उसका केस के जरिए जो है मुकदमा चल रहा है, लोक अदालत में चल रहा है, लोक अदालत में हमारी तारीखें पड़ती हैं, वो लोग आते नहीं है, वो लोग आते हैं बार बार हड़का देते हैं इनको, चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है हड़काने के बाद जो ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा ही भयंकर आ गई, तो उसमें उन्होंने जो कदम उठा लिया जय अक्साय से, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका गड़बड़ है, संजीव से इलाज चल रहा है। तो अभी तक आपने पुलिस को इसकी तहरीर वगैरह दी नहीं दी जो आग में? तो मैंने तहरीर दी है, रिपोर्ट लिखी हुई है मेरी, लेकिन पुलिस ने अभी तक वो बंदे उनके खाली छुट्टे घूम रहे हैं जो भी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की है, ना कोई वहाँ से उठाया गया, अभी वैसे वैसे चल रहा है। संज्ञान में आई है कि एक महिला जो है जल्दी की अवस्था में जिला अस्पताल में एडमिट हुई है, और इसके संबंध में ये जानकारी हुई है कि उसकी शादी 1.5 साल अल्लाहगंज में किसी काम में हुई है, और चूंकि ये मानसिक रूप से विकसित थी, इसलिए उसके ससुराल वालों ने इसको
छोड़ दिया था। इन लोगों ने इस संबंध में अदालत में अपना वाद भी दायर किया है और अदालत में इनका मामला चल रहा है। इसी दौरान इस विषित महिला ने किसी कंपनी कारणों से आग लगा ली और ये जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके प्रोवाइजरों द्वारा भी कोई तहरीर दी नहीं है, तो अगर तहरीर देंगे तो उस हिसाब से भी कार्रवाई करेंगे। शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय छात्र परिषद के पदाधिकारियों ने चाइनीज मांझे की बिक्री प्रतिबंधित नहीं किए जाने पर जिलाधिकारियों को कल ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा ने कहा कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में तमाम दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री बेरोक टोक की जा रही है। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी सरकार की लापरवाही के चलते चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। चाइनीज मांझा बच्चे व बड़े सभी के लिए खतरा का कारण बना हुआ है। मांझे की चपेट में आकर कई बच्चे व्यस्क घायल भी हो चुके हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए चाइनीज मांझा मौत का कारण बना हुआ है। जिन दुकानों पर चाइनीज मांझा बिक्री की जा रही है उन दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला अधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को मैंने दिया है। अभी हमारी ये मांग है कि जब इस पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा है उसके बावजूद भी इसकी खुलेआम शहर में बिक्री क्यों हो रही है और इसको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इनको दुकानों को मार्केट में जा जाके चिन्हित करना चाहिए और एक एक दुकान पे कार्रवाई हो जहाँ जहाँ खुलेआम बिक रहा। मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं जहाँ जहाँ चाइनीज मांझा बिक रहा है। और अभी दो तीन दिन पहले एक विकलांग थे, उनकी उंगली वगैरह कट गई थी। आए दिन घटनाएं होती हैं। हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द ये पूर्णतया बंद होना चाहिए। इसमें कई ऐसे पुलिसकर्मियों की गर्दनें भी कट चुकी हैं और मतलब पक्षी ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं और ये चाइनीज मांझा बता रहे हैं इतना घातक है जिससे कि जहाँ पे कट जाता है वहाँ से जो है वो सड़ना शुरू कर देता है। ये फिर भी इसमें रोक लेने पर आखिर किसका क्या रीजन है? कहीं न कहीं प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या हो सकता है किसी के संरक्षण में ये सब हो रहा हो। देवबंद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया। यह 5 बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से यहां रह रहे थे। पकड़े गए 5 बांग्लादेशी युवकों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ने इन सभी बांग्लादेशियों को देवबंद के रेलवे रोड स्थित BSNL ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी देवबंद में चोरी छिपे रहकर टोपी बेचने का काम व सिलाई का काम करते थे। पकड़े गए आरोपी के नाम रफीफुल इस्लाम अहमद उर्फ अब्दुल्ला, मुनीर उजमान इस्लाम और मोहम्मद मिनहाल है। पुलिस ने 5 को पकड़कर 14 फोर्नर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये थाना देवबंद में काफी दिन से सूचना मिल रहा था कि काफी जो गैर प्रांत के लोग जो बिना प्रॉपर अनुमति वीजा परमिट के बिना बांग्लादेश से खासकर बांग्लादेश से कुछ लोग जो है देवबंद में काम कर रहे हैं और वहाँ पे गोपनीय ढंग से रह भी रहे हैं अलग अलग आईडियो में। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अलग से टीम गठित कराया। कोतवाली के एक टीम था और हमारे गुप्त तरीके से अलग भी अन्य टीमें भी लगे हुए थे। तो उनके अनुसार जो है जो सूचना के अनुसार कल रात जो है 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम है रफीकुल अहमद, मोहम्मद मिनाज, मनीर उजमान, मोहम्मद इस्माइल। ये लोग गिरफ्तार किए हैं। इनका आईडी के अनुसार जो बरामद किए गए दस्तावेजों के अनुसार ये बांग्लादेश के कई अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं। कोई ढाका का है, कोई अन्य क्षेत्र का है, उनका एड्रेस भी है इसमें। तो उनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करने के बाद ये पता चला ये अलग गलत आईडी से ये लोग यहाँ रुके हुए हैं। इनका कोई वैलिड पेपर्स नहीं है ना परमिट है। इनके खिलाफ मुकदमा अंतर्गत धारा 14 विदेशी अधिनियम 1947 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ बताया पूछताछ में? क्या मतलब पूछताछ में ऐसा कोई विशेष जानकारी हमें अभी मिल नहीं पाया क्योंकि कम समय मिला पुलिस को। इसमें बस इतना हमको मिला है कि बिना प्रॉपर वीज़ा और बिना पासपोर्ट बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम इंडिया में आए हैं और देवबंद में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। डुमरियागंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रेस वार्ता के दौरान डुमरियागंज पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री एस त्रिपाठी के जरिए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अमानत में
खयानत का मुकदमा दर्ज कर 23 लैपटॉप बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। मामला डुमरियागंज तहसील का है, जहां तहसील में ही एक कर्मचारी द्वारा सपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लैपटॉप वितरण का है, जो किसी कारण बस वितरण नहीं हो पाया था। चार दिन पहले श्याम सुंदर नामक कर्मचारी के जरिए चोरी किया जाता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस गायब हुए 39 लैपटॉप में से 23 लैपटॉप अभियुक्त सहित बरामद कर लेती है। श्याम सुंदर को जेल भेज दिया गया है। डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के श्रीराम जानकी इंटर कॉलेज और छबीलाल इंटर कॉलेज का मामला संज्ञान में आया है कि यहां के प्रबंधक अपने मनमाने तौर पर परीक्षा केंद्र घोषित करवाते हैं और नकल कराने में सफलता हासिल करते हैं। जहां पर छबीलाल इंटर कॉलेज एवं श्रीराम जानकी इंटर कॉलेज के प्रबंधक एक परिवार के समेत पत्नी विद्यालय का संचालन करते हैं, वहीं परीक्षा केंद्र बनवाने में भी अपने विद्यालय का ही विद्यालय में परीक्षा केंद्र लेने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय में कई प्रकार की खामियां सामने देखी जा रही हैं, जहां पर फर्जी तरीके से नाबालिगों को अध्यापक बनाकर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जहां एक तरफ 2003 में अध्यापक चयन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ 1997 से ही उनको वेतन देने का काम भी कर दिया गया है। वहीं पूर्व में संस्थापक के माध्यम से चयन किए गए अध्यापक को बाहर कर अपने मनमाने तौर से अध्यापक का चयन किया गया और फर्जी तरीके से वेतन भुगतान किया जा रहा है। मैं तो 1 फरवरी को यहाँ ज्वाइन किया हूँ जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर। आज मेरे आपके द्वारा मुझे संज्ञान में आया है कि ऐसी बात है और मैं परीक्षा प्रभारी को यहाँ बुला करके पूछा थी, उनके द्वारा यह बताया गया कि यह चीज़ें जो है बोर्ड द्वारा की गई है, लेकिन मैं इसकी जांच कराऊंगा कि बोर्ड से हुई है कि या जिले स्तर पर इसको किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की मंशा को तार तार करने पे लगे हैं कि जहां सरकार एक तरफ पर नकल विहीन कराना चाह रही है, वहीं पे 2 सेंटरों को, जिसकी एक पत्नी मालिक है और एक पति मालिक है, इन दोनों सेंटरों को एक दूसरे में कर देने से क्या आपको लगता है कि परीक्षा आपका साफ सुथरा होगा या नकल नहीं होगी? अब इसमें जांच करने के बाद ही पता लगेगा बोर्ड से हुआ है कि ये लोग किए हैं, दोनों बातें हैं। तो सर, इस श्रीराम जानकी इंटर कॉलेज जो है, इसमें कई टीचर रखे गए हैं, तो इसमें कुछ मिलाकर के करीबन 11 और टीचर संवैधानिक उसमें रखे गए हैं, बाकी 28 लोग उसमें रखे गए हैं, जिसका वेतन पिछले रिकॉर्ड के तहत दिया गया है। ज्वाइन 3 में हुआ है और उसके बहुत पहले से वेतन उन लोगों को दे दिया गया है। इसकी तो हम जांच करेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें करीब 20 दिन का समय लगेगा, और जांच करके और इसमें देखेंगे कि कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम श्री राम जानकी इंटर कॉलेज गिरधरपुर कुनगाई के अध्यापक हैं और वहाँ जो है प्रधानाचार्य धर्मराज चौधरी हाई कोर्ट से, विभाग से, मैनेजमेंट से डिसमिस हैं, और डिसमिस होने के बाद हाई कोर्ट का फर्जी स्टे आर्डर दिखा करके कार्यरत हैं। इन्होंने अपने समय में कई बार कमेटी बदल दिया है। 96 में विद्यालय अनुदान सूची पर आते ही प्रबंधक का फर्जी त्याग, गया प्रसाद चौधरी का फर्जी त्याग पत्र लिख करके एक फर्जी कमेटी गठित कर दी। वह फर्जी कमेटी सहायक निबंधक गोरखपुर के आदेश 16/7/96 और माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 700/96 पारित आदेश 1996/96 द्वारा निरस्त है, लेकिन उस फर्जी कमेटी को विभाग जबरन मान करके और उसी कमेटी के हस्ताक्षर से फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति बैक डेटिंग करके और भुगतान करा दिया गया। भुगतान सिंगल ऑपरेशन प्रबंध संचालक द्वारा प्रथम भुगतान किया गया, जबकि विद्यालय विवादित था, पुराने अध्यापकों को निकाल दिया गया, नए अध्यापकों की फर्जी धर्मराज चौधरी और फर्जी कमेटी द्वारा भर्ती बैक डेटिंग करके और भुगतान कराया जा रहा है। उस विद्यालय में 12-12, 14-14, 15-15 वर्ष के बच्चों को MA BEd करके भुगतान करा दिया गया है, और आज भी कुछ नाबालिग विभाग से, हाईकोर्ट से और शिक्षा निदेशक माध्यमिक के स्तर से निरस्त हैं। कुछ नाबालिग आज भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, धर्मराज चौधरी फर्जी स्टे आर्डर पर बने हुए हैं। तो इसका क्या आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? श्रीमान जी, हम उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत छानबे से कराते चले आ रहे हैं। सारी फाइलें जिला स्तर पर, जिलाधिकारी स्तर पर और शिक्षा निदेशक स्तर पर, संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पर, GIS स्तर पर पेंडिंग है। मेरी बात कभी सुनी नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।